الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات الله محمد ये पुरसे की मजलिस है और पुरसा भी किसी एक को का नहीं 72 अफराद का पुरसा मेरे कारवां के लिए बाप का पुरसा बेटे बीमार के लिए भाई का पुरसा भाई जैनब के लिए शहदा का पुरसा बाकी बच जाने वालों के लिए बच्चों का पुरसा बुजुर्गों के लिए ये पुरसे की मजलिस है और तमहीनी कलिमात में जो काफिला 28 रजब को मदीने से रवाना हुआ था 3 शाबान को मक्के पहुंचा था 3 शाबान के बाद 8 ज़िलहिज्जा को ही क़याम रहा उसके बाद मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरता हुआ 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुआ वारिद करबला होकर 7 मुहर्रम से इसी कारवां पर पानी बंद कर दिया गया ये सहराए अरब मैदान करबला 8-9 मुहर्रम तक वसीवारी सहरा फौज की कसरत से भर गया शब आशूर आई और इमाम ने एक एक का इम्तिहान लिया इम्तिहान में हर एक खोटा और खरे की शनाख्त करना थी सब अपने मियार पर पूरे गुजरे और अजीजों जो एक शब पहले हर एक इमाम से कह रहा था कि हम अपनी जान का नजराना कुर्बान कर देंगे हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इमाम ने गुंजाइश रखी थी आप गौर फरमाएं कि इमाम ने कितनी गुंजाइश रखी थी जब सबसे बतला दिया कि देखो ये आखिरी रात है यजीदी फौज को सिर्फ मेरा सर चाहिए ये मेरे कत्ल के खाहां हैं तुम मेरा साथ छोड़कर जा सकते हो नहीं गए फिर दूसरी मरतबा कहा एक बहाना फराहम किया उनके लिए तुम देखो घबराओ नहीं तुम अगर ये सोचते हो कि तुम मेरा साथ छोड़कर चले गए तो जमाना क्या कहेगा मेरे अहले हरम में से भी एक एक का हाथ पकड़ो और ले जाओ ये उनके लिए एक रास्ता निकाला इमाम ने कि देखें इनकी आजमाइश करने के बाद इनमें कितनी ताकत है सब्र है कितनी इस्तकामत है कितना इस्तेहकाम है कितना ईमान है यही तो है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर कसम जमाने की बेशक इन्नल इंसान लफी खुसर इंसान तमाम इंसान घाटे में है इल्ल लदीना आमनू साहबान ईमान को नुकसान वालों से अलहदा कर दिया इल्ल लदीना आमनू व अमलुस सालिहात ईमान भी लाए हैं और अमल साले भी करते हैं अमल साले ही आखिरी मंजिल नहीं है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिल सब्र हक को सब्र की नसीहत भी करते हैं ये वो मंजिल है कि आखिरी लबों पर दम है आखिरी जान है इमाम ने दूसरा मौका फराहम किया कि देखो ये अपनी आजमाइश बढ़ाई कि मैं फकत तनहा नहीं रुकना चाहता कि मैं तुमको रोकूं मेरे अहले हरम में से भी एक एक का हाथ पकड़ के ये रेत के टीले हैं इनके पीछे से गुजर जाओ तुमसे कोई यजीदी फौज तारुज नहीं करेगा नहीं गए आखिर में क्या कहा इमाम ने जो आखिरी कड़ी आजमाई थी कि तुम ये सोचते हो कि अगर मेरा साथ छोड़कर चले गए मेरे नाना शफात ना करेंगे मैं जिम्मेदारी लेता हूं
हुसैन जिम्मेदारी लेता है कि मैं शफाअत भी करवाऊंगा तुम्हारी, नहलत तुम्हारी भी करवाऊंगा। मेरा साथ छोड़कर चले गए, और छोड़कर अगर चले जाते हो तो मैं सिफारिश का जामिन हूं। कोई नहीं गया। अब मेयार पर पूरे उतरे, कसौटी पर पूरे उतरे, हर एक को उसका मकाम बतला दिया, ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारी मंजिल है, ये तुम्हारी जगह है। और अजीज इसी शब में एक शहजादा खड़ा हुआ, जब महजर शहादत में उसका नाम नहीं लिया गया, वो कासिम बिन हसन थे। बड़का चचा से कहा, क्या चचा जान मेरा नाम नहीं है? पूछा, मौत कैसी है? कैफल मौत इंदक, मौत कैसी है? फरमाया, बेहुब्बे का अहला मिन असल, आपकी मोहब्बत में शहद से ज्यादा मीठी, आपकी मोहब्बत में शहद से ज्यादा मीठी है। एक एक का इम्तिहान लिया, सुबह आशूर हुई, और सुबह आशूर के बाद मौत का गर्म बाजार शुरू हो गया। एक हमला हुआ पिसरे साथ की तरफ से, 50 इमाम के जाओ निसार इसी एक हमले में काम आ जाते हैं। और उसके बाद मंजिल चलती रही, मंजिल जाती रही, मंजिल जाती रही, यहां तक के इमाम का एक गुलाम था, तो अबू जर का गुलाम जॉन जिसका नाम है, आखिर वक्त में वो आपकी खिदमत में हाजिर होता है। मौला मुझे इजाजत दे दीजिए, कहा मैं तुम्हें किस तरह से इजाजत दे सकता हूँ? उसने नफ्सियाती तीन जुमले कहे, कहा मौला शायद मुझे इजाजत इसलिए नहीं मिल रही है, मेरा रंग सिया है, मेरा खून सिया है, मेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से बदबू आती है। इमाम ने फरमाया, नहीं ये बात नहीं है, इस्लाम में इन तबकात की गुंजाइश नहीं है। लीजिए लीजिए, मिल गई इजाजत, और इजाजत मिलने के बाद याद देखें, इस्लाम के मेयार पर परख के देखें कि कभी इस्लाम पर वक्त पड़ा तो पैगंबर ने बुलाया कि मेरी मदद करो, मदद को नहीं आए, और यहां चाहने वाला खुद भेज रहा है चले जाओ, लेकिन साथ छोड़ने वाले साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ये मौला, ये गुलाम अबू जर हैं जॉन जिनका नाम है, लेकिन खुदा की कसम इस हक वफा ने जॉन को इस काबिल कर दिया, जहां पर ज़ियारत में तमाम मासूमीन ने शहदा का नाम लिया है, वहां इनका भी नाम लिया है। अस्सलाम अला जॉन मौला अबू जर, सलाम हो जॉन पर जो अबू जर के गुलाम थे। ये कयामत तक इस कुर्बानी की वजह से इनका नाम इसमें शामिल होता रहेगा। हाँ अजीज हो, हाँ जो मंजिल और गुजरी, मंजिल और गुजरी, उसी हुसैन ने जहां पर अपने अंसार को अपने हाथों से पेश किया, उसी हुसैन ने बनी हाशिम के नजराने भी पेश कर दिए, और उसी हुसैन ने आखिर में बेशीर की कुर्बानी भी पेश कर दी। और अजीज हो, अब वो मंजिल आ गई, न लश्कर न सिपाहे न कसरत उन्नास है, न कासिम न अली अकबर न अब्बास है, न फौज की कसरत थी, न चाहने वाले थे, न अंसार थे, न कासिम थे, न अली अकबर थे, न अब्बास थे। हुसैन यकाओ तन्हा रह गए, यकाओ तन्हा रह गए। बेशीर को भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया। एक मकाम पर एक आलिम ने लिखा है कि जब हुसैन कब्र बेशीर पर खड़े हुए थे कि एक शख्स आया, उसने आनकर आपको सलाम किया, आनकर सलाम किया। इमाम फरमाते हैं, ए भाई इस आलम गुर्बत में तो कोई हुसैन को पहचानने वाला भी नहीं है, तू बतला तू है तो कौन है? मेरे चाहने वाले, मेरे जानसार, मेरे रुतबा शनास सब जामे शहादत नोश कर चुके हैं। कहा मौला, मैंने आपको यको तना खड़े हुए देखा, ये बतला दीजिए कब्र किसकी है, ये बतला दीजिए कि बाजू शकिस्ता कैसा है। कहा कि ये बतला तो सही कि तू मेरे पास किस लिए आया? कहा कि मैं आका नजफ की ज़ियारत के लिए निकला था, शाह नजफ की ज़ियारत के लिए निकला था, लेकिन हालात ऐसे सफर में पेश आए, मैं ये समझने लगा कि शायद इतनी दूर आके भी आका की ज़ियारत नजफ में न कर सकूं। मैंने आपको आलम गुर्बत में देखा, यकीन कर लिया कि आपकी दुआ कबूल हो सकती है, आप दुआ फरमाएं कि शाह नजफ की ज़ियारत हो, शाह नजफ की ज़ियारत हो। इमाम ने दुआ फरमाई, और फिर जब वो मुसाफिर चलने लगा तो इमाम फरमाते हैं,
कि जब ज्यारत करने के लिए जाना तो उसी शाह नजब से ये भी कह देना कि एक को मैं आलम गुरबत में छोड़कर आया हूँ और अब वो वक्त है कि उसका उसका गला तहे कंजीर तहे कंजर होने वाला है। उसकी ख्वाहिश है शाह नजब आपकी आगोश हो, मुसाफिर का गला हो। मुसाफिर ये सुनकर रुक गया, कहा कि भाई ये बता दे कि तू है कौन, शायद तेरा शाह नजब से कोई वास्ता है। इमाम फरमाते हैं अगर मैंने तुझे नाम बता दिया आलम गुरबत में तेरी बच्ची मर जाएगी, तेरी बच्ची बेसहारा रह जाएगी। अरे गुरबत में तो मेरे बहुत से नाम है, मैं गरीब मुसाफिर भी हूँ, गरीब उद्दयार भी हूँ, गरीब आका भी हूँ। कहा के जा, जब उसे यकीन हो गया इमाम यकतन है, कहा कि मौला इजाजत दीजिए, अजीजो ये आखिरी मुजाहिद है जो लड़ा है इमाम की तरफ से, वो भी जाम शहादत नोश कर चुका। आखिर में इमाम की बारी आई, इमाम चले और चलने के बाद देंगे वही मसाइल कि जब इमाम ने एक एक से कहा कि मेरा क्या जुर्म है, मेरी क्या खता है, मैंने क्या कुछ जुल्म ढाया है, क्या शरीयत बदली है, कुरान बदला है, तब कुछ भी नहीं है, बस आपके बाबा से दुश्मनी थी। अभी हुसैन ने तलवार निकाली, तलवार चलाना शुरू की। लीजिए अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई, अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद होना शुरू हो गई। बस अजीज हुसैन कब तक जिहाद करते, तलवार ने में रखी, नरगए आदा में घिर गए। चारों तरफ से हमला होना शुरू हुआ। मंजिल वो आ गई कि कुछ देर तक तो बहन और भाई का सामना था, अब जब नशेब की तरफ घोड़ा लेकर चला, बहन भाई को नहीं देख पा रही है। एक बुलंदी पर आकर खड़ी हो गई और बुलंदी पर आकर देखा, मजाया नजर नहीं आया, दौड़ी हुई आई, देखा कि मंजर यह है कि हुसैन नशेब में पड़े हुए हैं, कातिल खंजर लेकर आगे बढ़ रहा है। तो एक मर्तबा बेकरारी के आलम में निकली, तीन जुमले सुनेंगे कि बहन भाई का पता कर रही है, कोई नहीं बताने वाला। एक बार फौजे यजीद से मुखातब हुई, इम्मा भी कुम मुस्लिम क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं है। उसने भी जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ी, पसरे साथ को देखा सामने खड़ा हुआ था। फरमाती पसरे साथ तुझे क्या हो गया है, रसूल का नवासा शहीद हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। उसने भी कोई जवाब न दिया। एक बार और चंद कदम आगे बढ़ी, आवाज दी, ए वालियों के वाली, ए सरपरस्तों के सरपरस, ला वारिसों के वारिस, हमने तेरी बहुत देर से आवाज नहीं सुनी हुसैन, अपनी आवाज तो सुना दे। एक मर्तबा बहन की आवाज भाई के कानों तक पहुंची, कोहनियों के बल खड़ा किया। पता है क्या फरमाते हैं, लकद जिद्दनी करबन अला करबी, बहन तेरी आवाज ने भाई का कलेजा बेकरार कर दिया, कलेजा बेकरार हो गया। आई बहन ने बहन को हुक्म दिया, जाओ वापस खेमे में जाओ। अब जो वापस खेमे में गई, खेमे में खड़ी हुई थी कि जमीन करबला हिलने लगी, फरात का नैजो पानी उछला, आफ्ताब को कहने लगा, सैयद सज्जाद का शाना हिलाया, ये कायनात बेटा कैसे बदल गई। तफी अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। अब जो खेमे का पर्दा हटा, कटा हुआ सर नौ के नेजा पर था, दौड़ कर नजदीक आई। अब क्या देखती है कि ताजा खून के कतरे सरे हुसैन से नेजे पर टपक रहे थे, सरे हुसैन से। वजह क्या थी, जालिमों ने सर कलम करने के बाद फौरन ही नौ के नेजा तक पहुंचा दिया, और आकर जब ताजा खून के कतरे टपकते हुए देखे कि रीशे मुबारक पर खून है, फरमाती है, मा जाए बहन इस तेरी दाढ़ी पे निसार चली जाए, ये बहन कुर्बान हो तेरे इस रूह मुबारक पर। तीन जुमले कहे, मा जाए अगर तू सफर में गया होता बहन को पलटने की उम्मीद होती, मा जाए अगर आलम मुसाफिरत में होता बहन को उम्मीद होती कि पलट कर आएगा, भाई अगर तू बीमार होता तो तेरी शिफायाबी की दुआ करती।
اے بھائی اگر تو زخمی ہوتا تو صحیح ہونے کی دعا کرتی، اے فاطمہ کے چاند تجھے کیسا کہنے لگ گیا کہ تو واپس آنے والا نہیں ہے۔ عزیزو حسین کی شہادت ہو گئی، فضا دوڑی دوڑی آئی ہیں خیمے میں، باہر سے خبر لے کر آئی ہیں، بی بی غضب ہو گیا، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، یہ شہداء کے لاشیں پامال کرنے کی تیاری ہے، بہن کیا کرے، ذرا دیر پہلے فوج یزید سے التماس کر کے آئی ہے، کسی نے نہیں سنا، بھائی کا گلا کٹ گیا، سر نو کے نیزہ پہ آ گیا، اب کیا ہوا، گھوڑوں کے پامال، گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، لاشیں شہداء پامال کرنے کے لیے حسین اس عالم میں تھے کہ اس مقام پر مجھے نسیم امروہی کے کچھ مرثیے کے بند یاد آئے کہ حسین کا جسم کا ہر حصہ زخمی تھا، ہر حصہ زخمی تھا۔ ایک تصور انہوں نے پیش کیا ہے کہ ملک فرشتے اور خدا کے درمیان کی گفتگو ہے کہ روح قبض کرنے کی باری آئی تو کیا گفتگو ہوئی، حسین نیم جہالت میں کہ کہتے ہیں بگوش ہوش ذرا حال کر بھلا سنیے، سنا جو میرے تصور نے اب ذرا سنیے، وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے، بیان ہمت صبر شہ خدا سنیے، شہ خدا سنیے، ندائی آئی کہ سر سے نکال جانے حسین، حضور کہا کہ ان کی جان سر سے نکالو، ملک نے جواب دیا کہ ان کی جان دہن سے نکالو، ملک نے جواب دیا کہ ان کی زبان، ان کی جان گلے سے نکالو، فرشتے نے جواب دیا ان کی جان عزیز سینے سے نکالو، فرشتے نے عذر پیش کیا، عذر کیا تھا، وہ آتی ہے ملک الموت کی صدا سنیے، ندائی آئی کہ سر سے نکال جانے حسین، کہا میں کیا کروں، ندائی آئی کہ گردن سے کھینچ جائے ان کی، کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بیوی نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، جہاں روا تیرے خنجر کی آب ہے ظالم، یہ بوسا گاہ رسالت مآب ہے ظالم۔ ندائی آئی دہن سے نکال جانے حضور، کہا دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور، یہ جا بلب ستم جور اشقیا سے ہے، زباں ہے ایٹھی ہوئی تین دن سے پیاسے۔ ندائی آئی سینے سے قبض کر لے جا، کہا کہ تیروں سے چھلنی ہے اے میرے رحمان، ابھی تو مار کے برچی ہٹا تھا ایک شیطان، اور اب تو ہے تہے زانو شمر یہ قرآن، یہ کرب ہے کہ رخے پاک زرد ہے یا رب، تیرے حسین کے سینے میں درد ہے یا رب۔ ندائی آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، یہ آخری بند، ندائی آئی کہ مظلومیت کے رتبہ شناس، کمر تو کمر سے کھینچ لے صابر کی جان بے وسواس، کہا ملک نے تڑپ کر بدر دے حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس، کہا ملک نے تڑپ کر بدر دے حسرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس۔ ندائی آئی کہ چہرے کا حال دیکھا ہے، کہا کہ خون سے اصغر کے لال دیکھا ہے، نسیم ادھر سے تو قدسی کے یہ صدائی، ادھر تڑپتی ہوئی بنت مرتضائی، اخی کے حلقے بریدہ سے یہ صدائی، قریب لاش جو قہر بسد بکائی، اخی کے حلقے بریدہ سے یہ صدائی، بزرگ اب کوئی باقی نہ خورد ہے زینب، نبی کا دین تمہارے سپرد ہے زینب، اب زینب کی ذمہ داری بھی، بھائی نے سجدہ آخر کر لیا، عزیز و شام غریب آ گئی، بھائی نے اپنی پوری ذمہ داریاں کر دی، بھائی نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بھائی نے پوری ذمہ داری ادا کر دی، لیکن خدا کی قسم جہاں جہاں بھائی نے امتحان دیا، بہن برابر کی شریک ہے، جس منزل سے حسین گزرے زینب نے ساتھ دیا، لیکن شام غریبا وہ منزل ہے، بھائی شہید ہو گیا، بہن تنہا رہ گئی، بہن تنہا رہ گئی، لیجئے خیموں میں لوٹ پڑی، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، دکھیا بیبیاں خیمے سے باہر، بچے خیمے سے باہر، اسی ہنگام میں حمید کہتا ہے میں نے ایک بچے کو دیکھا
जिसके दामन में आग लगी थी। बच्चा तेजी से दौड़ रहा था, मैं उसके पीछे दौड़ा ताकि उसके दामन की आग बुझा सकूं। बच्चा जब रुक गया, उस बच्चे ने कहा, ऐ शख्स क्या तूने कुरान में ये नहीं पढ़ा, अम्मल यतीमा फला तकहर, जालिमों पर जुल्म सितम न करो। कहा शहजादे मैं तुम्हारे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। जब शहजादे ने देखा कि ये हमीद ये इंसान माइल बकरम है, तो एक बार अर्ज की, ऐ शख्स क्या नजब का रास्ता तुझे मालूम है, का रात के आलम में नजब जाकर क्या करोगे, का नजब में मेरे दादा अली मुर्तजा हैं। रात का हिस्सा गुजर गया, शहजादी ज़ैनब तलाया घूम रही हैं, बच्चों की हिफाजत हो रही है कि इतने में उम्मे कुलसूम को बुलाया, उम्मे कुलसूम आओ बच्चों की शुमार करें। जब खेमे लुट रहे थे नहीं मालूम बच्चे कहाँ गायब हुए, बीबियों के सरों से चादरें छिन रही थी, अजब आलम इंतजार था। बच्चों की शुमार की, दो बच्चे नहीं थे। ज़ैनब आगे बढ़ी, आवाज दी फुरात के पास, भाई कोई बच्चा आया है, आवाज नहीं आई। अब देखा कुछ फासले पर दो बच्चे करीब सो रहे थे, का उम्मे कुलसूम ये बच्चे जागे हुए हैं, कहीं बेदार ना हो जाए, थके हुए हैं। अब जोशाना हिलाया, बच्चों में रूह नहीं थी, बाप के नजदीक आपा के नजदीक चुके थे।